वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। तो चलिए देखते हैं। 200 ग्राम हमने मिर्ची पाउडर लिया है। इसमें कश्मीरी मिर्च, बेड़गी मिर्च, पटना और लौंगी मिर्च, चार मिर्ची का ये पाउडर है। और 1.5 इंच का टुकड़ा ड्राई कोकोनट है और 2 गांठी लहसुन और 2 प्याज है। इसको सुखा के ड्राई करके लिया है। अभी आधा चम्मच हमें ये ड्राई मसाले लगेंगे। 2 चम्मच जीरा, 3 चम्मच धनिया, 3 चम्मच हमें तिल, 4-5 तेजपान, थोड़ा सा दगड़ फूल, 2 बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच हमें लौंग, इलायची, 2 जावित्री, 2 स्टार फूल, 2.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, यहाँ पे ये त्रिफला और नागकेशर, मेथी, आधा चम्मच मेथी, आधी चम्मच सौंफ और आधा चम्मच हमें जीरा, शाह जीरा लिया है, और हल्दी पाउडर और काली मिर्च आधी चम्मच, और यहाँ पे हींग लिया है, ये खड़ा हींग है, और राई ली है आधी चम्मच। ड्राई कोकोनट डाला है, इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। तेजपान, दगड़ फूल, हम इसे निकाल लेते हैं। साबुत धनिया, सुखाया हुआ प्याज है, धूप में सुखाया था, थोड़ा सा तेल डाल के इसे भून लेते हैं। ये भी हो गया है, निकाल लेते हैं। ये सब ड्राई मसाले हैं। हल्दी पाउडर, पहले सबसे पहले हम ड्राई मसाले निकाल लेते हैं मिक्सी में से। अब ये हो गया, इसे बंद कर देते हैं। इसे हम छान लेते हैं। और धनिया, इसे भी हम मिक्सी में से निकाल लेते हैं। तेजपान और धनिया, इसे हम छान लेते हैं। और प्याज और ये ड्राई कोकोनट है, इसे हम छानेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे अच्छे से बारीक करके। हमारा सारा मसाला 1/4 किलो का बनके तैयार हो जाएगा। तो कोई भी कोल्हापुरी डिश है उसमें डालने के लिए हो जाएगा।
ऊपर का थोड़ा दरदरा रह जाएगा, उसे भी थोड़ा मिक्सी में आप पीस लेना। ड्राई कोकोनट और प्याज, अभी इसमें हम डाल लहसुन डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। इस तरह ये हो जाएगा, थोड़ा गीला हो जाता है ये लहसुन की वजह से। एक साथ में इसे तीनों भी मिक्स कर लेंगे। और मिर्ची पाउडर डाल के इसे अभी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। इस तरह से ये मसाला बनके रेडी हो जाएगा, कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। और इंग्रेडिएंट्स जो है मैं पूरे आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।